भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही जो नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तैयारी हो चुकी है, 3 तारीख को मतदान है, 1 तारीख की शाम को जो प्रचार है वो रुक जाए है, लेकिन सबके दिल में जो ये सवाल है कि आखिर मध्य प्रदेश में उपचुनाव को परिणाम का होने वालों है, मध्य प्रदेश में की सरकार बन रही। पहले एक आंकड़ों को गलत बताएं, जी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही कि कांग्रेस सरकार बनाई नहीं पे, लेकिन एक दूसरों आंकड़ों भी है जी के आधार पर जो तय है कि अगर मध्य प्रदेश में बड़ो चुनावी उलटफेर होगा तो फिर कांग्रेस की सरकार की बनने की संभावना से भी इनकार नहीं करे जा सकता। हालांकि जब बड़ी कठिन बात है, लेकिन कई जात के राजनीति जंग हो, क्रिकेट हो, इनमें कछु भी असंभव नहीं हो। आखिरी बॉल पे छक्का गल जात, सुपर ओवर हो जात और उसके बाद फिर आखिरी बॉल पे मैच को परिणाम बदल जात, कछु जो ही हाल मध्य प्रदेश में अबे भी हो सकत। कुल 230 की विधानसभा सीटों की संख्या है, कांग्रेस के पास बचे हैं 87 और चूंकि एक विधायक ने बाद में इस्तीफा दो, सो कुल संख्या मानी जाए 229 और 115 चाहने सरकार बनावे के लाने। अगर 28 सीटों पे चुनाव है और पूरी 28 सीटें कांग्रेस जीत गए तो हो पे 115, लेकिन अगर 28 सीटों में कछु कम भी रह जाती तो 7 जो सपा बसपा निर्दलीय विधायक हैं, बेर बेर भारतीय जनता पार्टी उनको दावा अपने संग लेवे को की बात कर रही, लेकिन सच्चाई यह है कि वे कोनू भी तरफ जा सकत। तो 7 सीटें और कम कर लो, यानी 21 सीटें भी अगर कांग्रेस पार्टी ले आए तो सरकार बनाई जा सकत है, इमें अब कोनू संदेह नहीं हो सकत आंकड़ों के मुताबिक। लेकिन 21 सीटें भी बड़ी बात है और 21 सीटें का कांग्रेस पार्टी जीत पे, और अगर 21 सीटें जीती तो का कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी कर सकत, जो बड़ो सवाल है। काय के भाजपा भी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही, कांग्रेस भी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही, लेकिन पूरे चुनाव के बीच हम लगभग 20-22 सीटों पे घूमे हैं और बाकी सीटों को भी पूरा आंकड़ा और पूरी जो होते के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आम जनता के लोग हैं, तमाम लोगों से बातचीत के आधार पर एक बड़ो विश्लेषण निकाले है। बड़ो विश्लेषण जो है कि पूरे चुनाव में अब भी लगभग 40% मतदाता मौन साधे है, और ये 40% मतदाता को छोड़ दे तो बाकी को 60% मतदाता मुखर होकर बात कर रहा हो, लगभग बराबर की स्थिति में बात कर रहा हो, आधे लोग कांग्रेस की बात करत, आधे लोग भाजपा की बात करत। लेकिन जो 40% मतदाता मौन साधे है, जैसे बुंदेलखंड में हमने मतदाताओं से पूछी कि का भैया को जीते, सो वे बोले कि 10 खोई बताएं, और जो कौन जगह पे लोगन को जवाब हतो, जो जवाब हतो बड़ा मलेरा में जब परसों शिवराज जी और उमा जी की सभा थी, उनके बाहर से जब लोग निकल रहे थे सभा के बाद, सीधे तौर पे माने जा सकते क्योंकि भाजपा के समर्थक हुई हैं, या मान लो शिवराज जी के या उमा जी के को के भी समर्थक हुई हैं, उनसे जब पूछी तो उनने भी खुल के नहीं कही कि को जीत रहो, वे बोले 10 खोई बताएं। मतलब गांव देहात तक की जनता, बिल्कुल ठेठ गांव के देहात के आदमी की बात कर रहे हैं हम आपसे, कि गांव देहात तक की जनता जा बात कह रही है कि 10 खोई पतो चले कि को जीत रहो, यानी 40% मतदाता मौन है और 40% मतदाता पूरे चुनाव को पलट सकत है कोनू भी तरफ। लेकिन बड़ी बात जा है कि जो राजनीति के विश्लेषक बताऊ थे कि जब उपचुनाव हो तो ज्यादातर मतदाता मुखर भय चाहिए सत्ता पक्ष के लाने, लेकिन इतने मतदाता मौन है, यानी उनके मन में कछु और चल रहो जो वो खुल के नहीं कह पा रहा, शायद वोट के माध्यम से अपनी बात करे। लोकतंत्र की जो खासियत भी है कि खुल के भले ही नहीं कोई कहे, लेकिन वोट के माध्यम से मतदाता अपनी ताकत को एहसास बड़े बड़ों को करा दे। बड़े बड़े उलट फिर देखे हैं हमने, लेकिन अब हम आपको सीटों के हिसाब से बात कर रहे हैं कि कौन सी सीट पे का परिस्थिति है, वर्तमान की परिस्थिति। हालांकि हम कोनू ना तो दावा कर रहे ना अखबारों की तरह खुल्लम खुल्ला बता सकत के भैया जो जीत रहो के जो हार रहो, काहे के जो बतावो हमारे हिंदुस्तान के या मध्य प्रदेश के मतदाता को अपमान है। चुनाव के पहले जो बतावे को जीत रहो को हार रहो, हम केवल आकलन कर सकत, हम केवल समीकरण बता सकत, हम केवल जनता के मन को टटोल सकत, लेकिन सच्चाई यह है कि असली एग्जिट पोल या असली ओपिनियन पोल तो जनता ही दे जब आप वोट डालत। बड़े बड़े ओपिनियन पोल फेल भय, हम भी कोनू ओपिनियन पोल नहीं कर रहे, ना आपको बता रहे कि को जीत रहो को हार रहो, लेकिन हम आपको परिस्थितियां बता रहे कितने की तरीके को मुकाबला है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं ग्वालियर की सीट से। तो ग्वालियर शहर में दो सीटें हैं, ग्वालियर शहर की दो सीटें हैं, एक ग्वालियर पूर्व और एक है ग्वालियर। ग्वालियर पूर्व की अगर बात करें तो इतने को जो वर्तमान को समीकरण है उसके मुताबिक सतीश सिकरवार पे दांव लगावो कांग्रेस के लाने बेहतर साबित भाव है। काहे के सतीश सिकरवार के पास जो कांग्रेस पार्टी को परंपरागत वोट है तो वो भी बच गए है, और इसके अलावा जो बाकी जो लॉकडाउन के दौरान सतीश सिकरवार ने तमाम तरीके के जो मदद के काम करे वे भी संगे
आए हैं और यही वजह से भाजपा में घबराहट भई। जो सतीश सिकरवार के जो परिजन थे, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनको अचानक दूर दूर चुनाव में ड्यूटी लगवा गई। लेकिन दूसरी तरफ मुन्नालाल गोयल के पक्ष में कई सारे व्यापारी वर्ग के लोग आए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि व्यापारी वर्ग तो पहले ही से भाजपा को वोटर आमतौर पर अधिकांश माने जाते हैं और यही वजह से मुन्नालाल गोयल के पास अपना एक सीमित वोट बैंक है और सतीश सिकरवार ने अपने वोट बैंक को दायरा बढ़ाओ है। कांग्रेस पार्टी को भी वोट उनको मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी को भी पुराने वोट में से कछु वोट उन तक पहुंच रहा है। जहाँ हालत है ग्वालियर पूर्व विधानसभा की और जो मुख्य ग्वालियर विधानसभा की अगर बात करें तो मुख्य ग्वालियर विधानसभा में बहुत कांटे को मुकाबला है और कांटे को मुकाबला इसे है काय के ग्वालियर सीट पे सीधे तौर पे जा कही जाते हैं कि जब 2018 को विधानसभा का चुनाव हो रहा तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऊ टेम खुले तौर पर मंचों से कही थी कि अगर प्रद्युम्न सिंह तोमर विधायक बने तो दो लोग इकट्ठे विधायक माने जाएं, एक प्रद्युम्न सिंह तोमर और एक सुनील शर्मा। दो इस ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेहद खासम खास थे लेकिन सिंधिया भाजपा में चले गए। सो सुनील शर्मा अब कांग्रेस के जी पार्टी में पहले से थे, ऊ के टिकट पर मैदान में है और प्रद्युम्न सिंह तोमर मैदान में है सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी से। तो कांटे से कांटे वाली स्थिति है। सुनील शर्मा दूर से अगर देखो तो तनक कमजोर नजर आए लेकिन जब गहराई में जाओ तो आपको पता चले कि एक एक बाकड़ी जी के आधार पर प्रद्युम्न सिंह तोमर चुनाव जीता, वो सब कछु सारे आंकड़े सारे गणित सुनील शर्मा को पतो है। कौन मोहल्ला में वे जाते हैं, कौन मोहल्ला में की आदमी से मिलते हैं, सब सुनील शर्मा को पतो है। काहे के पुराने जोड़ीदार रहे हैं और यही वजह रही कि प्रद्युम्न सिंह तोमर को होते घुटनों पे आउने पर रहो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के आगे के हमारे संगे चलो, लेकिन वे जा नहीं रहे। कांटे को मुकाबला है लेकिन सुनील शर्मा अगर इतने चौंका देवे तो कोनू बड़ी बात नहीं हुई है। और तीसरी सीट है डबरा, जो ग्वालियर जिले की तीसरी सीट है, बेहद चर्चित सीट है। काहे के तैसे इमरती देवी चुनाव मैदान में है और उनके समधी सुरेश राजे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में है। लेकिन बड़ी बात का है ई पूरे चुनाव की, आमतौर पर लोकतत के इमरती देवी के लाने जब बेहद सुरक्षित सीट है और यही सुरक्षित सीट में उनको हराव आसान नहीं है। लेकिन इको दूसरों गणित आप समझो, दूसरों गणित जाए कि पिछले चुनाव में इमरती देवी 57,000 से ज़्यादा वोटों से जीती थी लेकिन कैसे जीती थी, कांग्रेस के टिकट पे। अब का जो पूरों को पूरा 57,000 को जो मार्जिन है पूरा इमरती देवी के पक्ष में चले जाए ऐसा लगत नहीं है और यही वजह से वो भी चुनाव पूरों को पूरा फंस गए है। और चुनाव में बड़ा उलट फिर अगर इतने भी हो जावे डबरा सीट पे तो कोनू बड़ी बात नहीं है। ग्वालियर जिले के बाद अब हम चलें भिंड और भिंड में है दो सीटें, भिंड की दो सीटें हैं, एक है गोहद और एक है महगांव। गोहद सीट पे कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला है और रणवीर जाटव जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मैदान में है उनके संगे सबसे बड़ी समस्या है लाल सिंह आर के समर्थक। काय के लाल सिंह आर से उनकी जबरदस्त अदावत चली आई है और बहुत अलग स्तर की अदावत चली आई है। हालांकि लाल सिंह आर को राष्ट्रीय नेता बनाने की कोशिश करी भाजपा ने लेकिन वे कितनों कामयाब हुई है जो बड़ी बात है। दूसरी तरफ मेवाराम जाटव जो लगातार क्यों बेर चुनाव लड़ता है, इवन उनने बिल्कुल हाथ पांव जोड़ के कही है कि भैया आपकी बेर हमें जिता दो। और मेवाराम जाटव बहुत जबरदस्त लड़ाई में है, कांटे की लड़ाई में है और अगर मतदाताओं ने अपनी दरिया दिली दिखा दी मेवाराम जाटव पे तो फिर इतने उलट फिर हो सकत है। दूसरी हम बात करें महंगाव सीट की, महंगाव सीट पे शुरुआत में कांग्रेस पार्टी कमजोर नजर आ रही थी। ओपीएस भदौरिया लगातार चुनाव प्रचार बहुत तेज कर रहे थे और हेमंत कटारे को कांग्रेस पार्टी ले आई है कितने से महंगाव से। अब इस सीट पे एक अलग किस्म को समीकरण सामने आओ है और समीकरण जो सामने आओ है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊ इलाके के बड़े नेता हैं अरविंद भदौरिया, उनके लाने ई तरीके को माहौल बना होगा कि अगर हेमंत कटारे महंगाव से चुनाव जीत जात तो फिर अरविंद भदौरिया को हमेशा अपनी जो उनकी अटेर सीट है जितने से हेमंत कटारे से उनको मुकाबला होते है उस सीट पर उनकी टेंशन भविष्य में ख़त्म हो सकत। काहे कि हेमंत कटारे पूर्व जो नेता प्रतिपक्ष रहे हैं सत्यदेव कटारे उनके पुत्र हैं, उनकी अटेर विधानसभा थी और अटेर विधानसभा से एक बेर हेमंत कटारे ने चुनाव हराओ अरविंद भदौरिया को, दूसरी बेर में चुनाव अरविंद भदौरिया ने हराओ हेमंत कटारे को। यही वजह से अब जो ऐसा लग रहा हो कि अगर जातिगत चुनाव चूंकि होते और अगर उस जातिगत चुनाव में
स्थिति परिस्थिति ऐसी बनी कि हेमंत कटारे युवा प्रत्याशी के तौर पे चौंका देवे को तो कोनो बड़ी बात नहीं आ, और जो जी तरीके को माहौल लग रहा हो उतने बड़ी कड़ाके की फाइट है, लेकिन परिणाम चौंका विवारी भी हो सकत। अब भिंड के बाद हम चल रहे हैं मुरैना, जिते से कांग्रेस पार्टी को बेहद आशाएं हैं और इसे आशाएं हैं काय के कांग्रेस पार्टी की उतने 2018 में जो परफॉर्मेंस थी वह बेहद शानदार थी, और यही वजह से अब कांग्रेस पार्टी विशेष तौर पे सुमावली में बेहद मजबूत नज़र आ रही, जबरदस्त तरीके से इतने माहौल दिखाई दे रहा हो कांग्रेस के पक्ष में। लेकिन मुरैना पे अगर बात करें तो त्रिकोणी मुकाबला है, और त्रिकोणी मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी नज़र आ रही है, और इतने मुकाबला बसपा और कांग्रेस के बीच दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जोरा अम्बा और दिमनी इतने भी भारतीय जनता पार्टी के लाने को बहुत बड़ी परिस्थिति नहीं दिख रही, एकाध जगह अगर चौंका सकत तो बहुजन समाज पार्टी या निर्दलीय उम्मीदवार चौंका सकत हैं, लेकिन अम्बा हो चाहे दिमनी हो चाहे जोरा हो, इन सब सीटों पे भारतीय जनता पार्टी कम से कम मुरैना में बहुत तगड़ी वापसी करत नहीं दिख रही। एकाध सीट पे कोनो अगर अप्रत्याशित परिणाम दे देवे तो अलग बात है, लेकिन मुरैना में भाजपा के लाने खासी मुश्किल है। काहे के पिछले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी मुरैना में पूरी तरीके से असफल साबित भई थी। और अब बात करें अगर हम गुना और अशोकनगर जिलों की, तो गुना की बमौरी सीट पे KL अग्रवाल जबरदस्त मैनेजमेंट से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ मैनेजमेंट शानदार है जो महेंद्र सिंह सिसोदिया हैं, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं उनको भी, लेकिन KL अग्रवाल को जो पुराना व्यवहार है, पुराने उनके संपर्क हैं, वे इतने मजबूत हैं कि उनको तोड़ पावो भाजपा और कांग्रेस दोनों में हमेशा उनके लाने परिस्थिति ऐसी लगी। कहा कि पिछले 2018 के चुनाव में KL अग्रवाल जब निर्दलीय जीते तो भी उनको जबरदस्त सफलता हासिल भई, चुनाव नहीं जीत पाए लेकिन भाजपा को हरा दो, और उनको पुरानो जो समीकरण है उसको बेहद मजबूत करें रत, सरल सभी है छवि उनकी हमेशा रही, भाजपा में मंत्री के तौर पर भी उनकी छवि बहुत अच्छी रही। तो KL अग्रवाल भी जबरदस्त तरीके से बेहतर प्रदर्शन करत नजर आ रहे हैं, और अशोकनगर और मुंगावली की अगर बात करें तो दो ही जगह पे जी तरीके के समीकरण बने हैं वे भाजपा के लाने टेंशन दे बारे हैं। और बड़ी बात यही है कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल के तो है जो तो समय बताए, लेकिन जनता की खामोशी उत्साहित कर रही है विपक्ष को, काहे के जनता की खामोशी सरकार के पक्ष में नहीं हो जो आम तौर पर विश्लेषक मानत। तो अशोकनगर में भी यही परिस्थिति है, और अशोकनगर में जी तरीके को जातिगत समीकरण बन रहा है वो भी ऐसा लग रहा है कि सीधे तौर पे फायदा दे रहा है विपक्ष को, और मुंगावली में भी जी तरीके को पूरा घटनाक्रम सामने आ रहा है, जी तरीके के विश्लेषण सामने आ रहे हैं कि परिस्थितियां बहुत बेहतर नहीं रह गई हैं जो मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं बृजेंद्र यादव के लाने। हालांकि बेर बेर हम आपसे कह रहे हैं कि चुनाव की ऐसी परिस्थितियां हैं कि आगे लगातार जी तरीके को बराबर की जो लड़ाई है उनमें पलड़ा कोनो भी तरफ झुक सकन, लेकिन अब तात्कालिक समीकरणों की अपन बात कर रहे हैं। इसके अलावा चलें बुंदेलखंड, तो बुंदेलखंड में दो सीटें हैं, बड़ा मलेरा और सुर्खी। बड़ा मलेरा में सीधे तौर पर रामसिया भारती जब से चुनाव के मैदान में है प्रद्युम सिंह लोधी की टेंशन बढ़ गई है, और दूसरा एक बड़ा समीकरण सामने आया है कि राहुल लोधी जो दमोह के विधायक थे, प्रद्युम लोधी के चचेरे भैया थे, उनके भाजपा में जावे के बाद उम्मीद थी कि बड़ा मलेरा में स्थिति प्रद्युम सिंह लोधी की बेहतर हुई है, लेकिन उनके भाजपा में जावे के बाद जब हमने दौरा करे क्षेत्र को तो लोग इस बात से बेहद नाराज दिखाई दे कि राहुल लोधी को आखिर क्या जरूरत पड़ी थी भाजपा में जावे की, वो भी ऐसे टाइम पे, और जो कांग्रेस को बिकाऊ टिकाऊ गद्दारी को फॉर्मूला है वो अब इनके पूरे परिवार पे एक तरह से लागू होगा, और राजनीतिक वाले जो माहौल है उनमें सीधे लागू होगा, और जो लोधी वो चूंकि उतरे लोधी बड़ी संख्या में है तो जो लोधियों को जो लोधी समाज को जो भी वोट बैंक है वो अब ये बात को सोच रहा हूँ कि आखिर हमें कितने जाने, उनके पास दो ऑप्शन हैं और दो ऑप्शन में प्रद्युम सिंह लोधी की तरफ पहले 50% 70% लोधी वोट जा रहा तो, लेकिन अब कहूँ ना कहूँ लोधी समाज भी सोचने पर मजबूर होगा कि आखिर हमें की को वोट देने। और दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी बहुत ज़्यादा असर डाल पे है, ई पे संशय है, काय के टीकमगढ़ से बड़ा मलेरा पहुँचे हैं अखंड प्रताप सिंह यादव जो बसपा के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं, दलित और यादव समीकरण बनावे की उनकी कोशिश थी लेकिन वो समीकरण बहुत ज़्यादा बनत दिखा नहीं रहो। और इसके अलावा बात करें सुर्खी की, तो सुर्खी में भैया रोज ऊपर नीचे हो रहा चुनाव, एक दिना
गोविंद सिंह आगे दिखाई दे, एक दिना पारुल साहू आगे दिखाई दे, तो सुर्खी में तो सीधे तौर पे 3 तारीख को पता चले क्या स्थिति है, लेकिन बहुत कांटे को मुकाबला सुर्खी में भी सीधे तौर पे दिखाई दे रहा हो। एक तरफ गोविंद सिंह को चुनावी मैनेजमेंट है, दूसरी तरफ पारुल साहू जनता के भरोसे हैं, भी कहने की हमारा चुनाव तो जनता लड़ रही, और सुर्खी में बेहद कांटे को मुकाबला है। सांची की अगर बात करें, रायसेन जिला की, तो सांची में जो परिस्थितियाँ बन रही हैं वे परिस्थितियाँ आखिरी तक भाजपा को टेंशन दे रही। लंबे टाइम से भाजपा होते अपनों गड्ढा भरने की कोशिश कर रही, गड्ढा इसे भरने का है कि सांची में गौरीशंकर सेजवार जो इलाके के बड़े नेता हैं वे लगातार नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि उनके बेटा मुदित सेजवार अब मंचों पर नजर आने लगे, लेकिन कितने मन से हैं कितने बेमन से ही पे संशय है। और ई के अलावा उत्तर के और भी तमाम जो बड़े नेता हैं वे प्रभु राम चौधरी के भाजपा में जावे के बाद उनको मेल मिलाप ठीक नहीं बैठ रहा है, और यही वजह से सांची बेहद मुश्किल सीट है। अब आगे का हुई है जो तो भैया लोकतंत्र है, जनता बताए, जो सांची पे चले। अब अपन चले अनूपपुर, अनूपपुर में स्थिति कांटे की टक्कर की बताई गई है, बिसाहूलाल सिंह और कांग्रेस के प्रत्याशी के बीच में कांटे की टक्कर बताई गई है। बदनावर में भी कांटे की टक्कर बताई गई है, मालवा तरफ चलें। और ई के बाद सांवेर की अगर बात करें, सांवेर में बहुत ज़्यादा कांटे की टक्कर है, बहुत कम मार्जिन से जीत और हार तय हुई है, लेकिन आज की तारीख में तुलसी सिलावट के मैनेजमेंट पे प्रेमचंद गुड्डू कोनू भी तरीके से कमजोर परत नहीं दिखा रहे। मानधाता और नेपानगर में जी तरीके को, मानधाता में अगर बात करें तो मानधाता में पूरी कहानी ऐसी भाई कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया की उतर सभा आती होते, जो किसान की मौत भई उसके बाद सभा चलत रही, उससे बहुत ज़्यादा माहौल खराब भाव भारतीय जनता पार्टी को बड़ो मतलब अलग किस्म को एक संदेश गाओ। और मानधाता में स्थिति जबरदस्त तरीके से ऐसी बताई जा रही कि जी में पल रहा हो सकत के भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ दे देवे, ऐसा ही हाल नेपानगर में है। और आगर मालवा में सीधे तौर पे युवा प्रत्याशी के तौर पे NSUI के प्रदेश अध्यक्ष विपिन बानखेड़े चुनाव मैदान में है, उन्हें भरोसा है कि युवाओं के दम पे भी चुनाव जीत रहे हैं। जबकि पूर्व मंत्री मनोहर ऊंटवाल के सुपुत्र मनोज ऊंटवाल को भारतीय जनता पार्टी में ने टिकट दी है, लेकिन उनकी टिकट के बाद स्थानीय भाजपा कितनों सहयोग करे ई पे अब संशय है। लेकिन चूंकि पिछले चुनाव लड़वे को अनुभव विपिन वानखेड़े को है, यही वजह से उनकी स्थिति पूरी तरीके से मजबूत नज़र आ रही है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक के निधन के बाद जा सीट खाली भई थी, इसे सहानुभूति की उम्मीद कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अगर हाट पिपलिया सीट की बात करें तो हाट पिपलिया सीट पर भी स्थिति बेहद कांटे की है, लेकिन मुश्किल आ सकत है सीधे तौर पे जो अब वर्तमान में विधायक हते जिनने इस्तीफा दो तो मनोज चौधरी। सुवासरा में हरदीप सिंह डंग को तो हर जगह जगह विरोध झेलने पर रहो, उनकी तरफ से केवल जो कहो है कि कांग्रेस को प्रत्याशी कमजोर है, कांग्रेस को प्रत्याशी गंभीर नहीं है, इस तरीके के आरोप लगा रहे। लेकिन इसके बाद भी जी तरीके के वीडियो लगातार सामने आए हैं, हरदीप डंग के लाने स्थिति बहुत मुफीद नहीं है। और इसके अलावा ब्यावरा सीट की बात करें तो ब्यावरा सीट पर अब धीरे धीरे चुनाव आखिरी में ही पता चले, काहे के ब्यावरा सीट पे बहुत देर में चुनाव प्रचार शुरू हुआ, बिल्कुल आखिरी चरणों में चुनाव की घोषणा होते होने थी। काहे के जो कांग्रेस पार्टी के विधायक थे उनके जो कोरोना की बीमारी के बाद जब उनको निधन भाव के बाद जब सीट खाली भई है, लेकिन जी तरीके की ब्यावरा सीट पे समीकरण है। और कांग्रेस पार्टी लंबे समय बाद होते एकजुट नजर आ रही, हमेशा होते जो होते कि कांग्रेस पार्टी से कौनू को टिकट मिलती तो आपस में विरोध बहुत होता, तो इबेर इकट्ठी नजर आ रही। और राजगढ़ चूंकि संघ को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को गढ़ रहो, तो जी तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों ने भाजपा के संग मिलकर सरकार बनाई, उसे जो संघ को मूल कार्यकर्ता है वो उतने उत्साह में नहीं दिखा रहा, यही वजह से इतने कांटे की टक्कर नजर आ रही। फिलहाल इन सब सीटों के समीकरण हमने आपको बताए, और इन सब सीटों के समीकरण के बाद जो भी तय करे वो जनता जनार्दन तय करे, लेकिन आप तय मानियो कि मध्य प्रदेश में कछु भी अप्रत्याशित परिणाम हो सकत, और इन अप्रत्याशित परिणामों के जरिए जनता अपनों संदेश दे कि आखिर उन्हें अपनों काम मत दो है, लेकिन जनता जनार्दन है। सबसे अपील है कि आप वोट डालवे जरूर जाइयो, जी खो बनाए उखो वोट दियो, लेकिन वोट जरूर दियो, अपने मन में विचार करियो कौन सही प्रत्याशी है कौन गलत प्रत्याशी है, सब जने वोट जरूर दियो। और जो केवल एक विश्लेषण अभी तक को, चूंकि हम इतने दिन से बुंदेली यात्रा पे हते, सब जगह को हमने सोची पूरे सार के तौर पे आपको बताएं, और यही सार के बाद
हम आपको जो पूर्व विश्लेषण बताओ है, बाकी तय जनता जनार्दन करे, जी में से ज़्यादातर लोग अब भी मौन साधे हैं और उनको मौन की पे भारी पड़े जो हम सब 10 तारीख को देखें। राम राम। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं, तभी पूरी खबरें आपके पास आ पाएं।